रंगारंग प्रोग्राम हमारे गांव राभा के अंदर श्री हरिदास बाबा के आश्रम पर पावन भूमि में किया जा रहा है। इसके गायक क्षेत्रीय गायक आपके जाने पहचाने चौधरी हरिशंकर निवासी नानू अछनर आगरा से ढोलक पर संगति कर रहे हैं, मोनू शर्मा खंदेली से और झीका पर मीठी मीठी मधुरता ने सुना रहे पंडित घनश्याम जी रूपास भरतपुर राजस्थान से, और ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले आपके जाने पहचाने भारत में धूम मचाने वाले पंडित रोहतास डीजे साउंड जनूथर भरतपुर राजस्थान से डीजे शांति बनाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। सभी श्रोता अपनी योग्यता का सभ्यता का परिचय देते हुए सभी का सम्मान करते हुए और गायक भी अपनी कला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चलते हैं दो लाइनों में बाबा हरिदास के चरणों में। के भाव भंजन के सकी। बंधुओं, आज का मानव उस परम पिता परमात्मा का नाम लेना तक भूल गया जिसने हमें इस धरा पर भेजा। और देखो भूलबो लाजमी है साहब, कोई गलती इंसान को ना है। परमात्मा को नाम लेवो तो गैया ने भुला दियो, पूरे दिना गैया के पीछे भगेरो, लाए में नहीं घुस जाए, गेहूं नहीं खा जाए, राम की चिंता ना है। राम तो देख लूंगा अगली साल, लेकिन बोलेंगे चंद्रा ने लिखी कि भागत दौड़त दिन गयो, कि भागत दौड़त दिन गयो और सोई पिताए दई रात, नेक नहीं बाहर को भजो भैया बड़े शर्म की बात, हेरा फेरी में फसो, हेरा फेरी में फसो और चैन सुबह ना शाम, या जन जीवन तू जान ले तेरो भलो करेंगे राम। स्वयं को पहचान ले, चलते हैं कि छोटी सी भवानी लेकर के बहुत पुराना एक फिल्मी गाना है, लिखा था महान गायकों ने। हो तौबा तौबा कैसे है नादान घुंगरू पायल के, लेकिन आज का कवि क्या कह रहे हैं कि उस परमात्मा का माँ का नाम लेने से तू भक्त प्रहलाद बनेगा ना कि हिरण कश्यप, कैसे तू बन जाएगो अब तू बन जाएगो प्रहलाद हर गुण गाए। तू बन जाएगो प्रहलाद हर गुण गाए दे, और एक कमर पे का पुरस्कार हमारे वेद प्रकाश भाई साहब गांव कचोरा से पधारे हैं, और एक 51 रुपए का पुरस्कार हमारे मदनलाल पंडित जी कपिला पशु आहार मदनलाल शर्मा जी अछनेरा पजहरा मोहल्ला में निवास करते हैं, और एक 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब बाबूजी के द्वारा बार बार धन्यवाद। ओ
और ये लल्लू नरेंद्र टेलर साहब का चोरा से 51 रुपए और ये 20 रुपये हमारे भल्लो पंडित जी तालियां बजाइए रायबा से भल्लो पंडित और 51 रुपए हमारे सुनील भाई साहब अछनेरा से पधारे हैं और योगवीर शर्मा कपिला पशु आहार की एजेंसी इनके नाम है अछनेरा में तू बन जाएगो पेड़ात हर गुण गाए थे और ये 6 रुपए का पुरस्कार धर्मवीर सिकरबान नगला पुन्ना और ये 1 रुपए का पुरस्कार हो हमारे कमेटी के मेंबर साहब बार बार धन्यवाद हाँ काका नाम का रुपया 21 तू बन जाएगो प्रहलाद हर गुण गाए थे ना हुआ कोई बर्बाद हर गुण गाए चलिए द्वारका के अंदर जैसे आज आपका यह दरबार लगा है समाज जुड़ा है ऐसे ही द्वारका में महाराज उग्रसेन का दरबार लगा था बंधुओं के उग्रसेन की लगी कचहरी और देखो हमारे प्रधान पंडित जी 51 रुपया ने फरफराए रहे बहुत जोर से कचोरा से पधारे साहब के उग्रसेन की लगी कचहरी बाके वीर विराज रहे और शंका नहीं हृदय में कोई मां ढोल नगाड़े सो दुल्हन सी सज रही द्वारका ये दुल्हन सी सज रही द्वारका धाम है कितना प्यारा और भैया जम रहे मुरलिया भगवान कृष्ण निवास किया करते थे लेकिन उसी भरे दरबार में एक बुढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्र की लाश को लेकर के उपस्थित होता है लाश को दरबार में रख दिया और दुहाई देकर के रो रहा है कि मेरा कोई रक्षक मेरा कोई हितैषी इस द्वारका में पैदा नहीं हुआ क्या कह रहे पंडित जी सूर्या
नहीं नहाता और अगार भरे और दरबार पीट रो छाती या द्वारा बत के या द्वारा बत के और बीच में भयो ना कोई जहरा
रामनाथ भैया को तारी जरूर बजाओ। बहुत बहुत दूर तक जिकड़ी सुन में जाओ हमारा रामनाथ भैया है नहीं साहब। मान सिंह दूध वाले बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, सेरा छोटा पर यानी क्यों करते हैं। मैं तो ये समझा करता था कि राजा प्रजा का रक्षक होता है, लेकिन तू तू उन राजाओं में से नहीं हो सकता कि राजा रक्षक हो प्रजा को, राजा रक्षक हो प्रजा को, पर तू राजा उत्पाती है और जब बाप के आगे बेटा मर गए सरवन तो को तुझे लज्जा नहीं आ रही। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक वादक मोनू के लिए हमारे रोहतास पंडित जी के द्वारा स्पेशल दिया जा रहा है साहब। तो है गई भूल तजो नहीं मैंने केरो जी नंगर खेरो भैया जा में सब खेल बिगड़ गयो। अगर मैं तेरे शहर का त्याग कर देता तो मेरे 8 बेटे नहीं मारे जाते। लेकिन एक बहुत ही कड़वा शब्द पंडित जी और बोल गए, क्या कह गए साहब, के पीर भय बलहीने आज यदुवंश के सारे योद्धा ताकत से विहीन हो चुके हैं, के पीर भय बलहीन और रही ना आए ताकत अब ढूंढी, के पीर भय बलहीन रही ना आए ताकत अब ढूंढी, छोर धन तैयार पान पहन लो हाथन में अर्जुन कहते घमंड हो गया धनंजय के लिए। अरे भुजन में चोर घनेरो है जो खबर पठाए मिटा दूं संकट तेरो है, अरे सूचना पक्की दे दीजो सूचना पक्की दे दीजो, सूचना पक्की दे दीजो चाचा बचाओ
अब मात्र 5 मिनट का इशारा एक छोटा सा गाना पेश करूंगा। बंधुओं, जिस समय राम और लक्ष्मण दोनों भाई लंका पर चढ़ाई करते हैं, रास्ते में वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाया यानी पुल बनाया, वो सारा करिश्मा रावण के गुप्तचर देख रहे थे, जैसे कि आज की सुरक्षा एजेंसी घूमा करते थे। लंका पहुंच गए, रावण के दरबार में कह रहे, लंकेश इस बार का संग्राम किसी मानव से नहीं होगा, तो कौन तो होगा? जादूगरन थे, बाजीगरन थे। क्यों? वो राम नहीं, वो तो जादूगर है। जादूगर है, आंखों से देखा उसका जादू। कौन सा जादू देखा है? क्या कहा राक्षसों ने? कि राम नहीं वो जादूगर है, राम नहीं वो जादूगर है, और जो करता काम निराले और तैर गए पानी में, वो तैर गए पानी में, जितने पत्थर डाले वो जितने पत्थर डाले, तैर गए पानी और 100 रुपए फिर से हमारे देशराज भैया, बार बार धन्यवाद। और 51 रुपए फिर से कपला पशु आहार। मुझे कुछ न कुछ उपाय वश करना पड़ेगा। रावण ने जोश ला करके एक शब्द बोल दिया। कौन सा शब्द? क्या कह दिया? ऐसा खेल मुझे भी आता, रावण बोला बाणी। भैया ये जादू तो मुझे भी आता है। राक्षसों ने कहा, जरा करके दिखाइए प्रभु। ऐसा खेल मुझे भी आता, रावण बोला पानी। फूंक मार के पत्थर डाला, डूब सकाना पानी। फूंक मार के पत्थर डाला, डूब सकाना पानी। पत्थर एक फूंक मार करके पत्थर को डाला और 200 रुपए का पुरस्कार बाबूजी का। बार बार धन्यवाद। राक्षसों ने तालियां बजा दी, हमारा लंकेश भी जादूगर है। लेकिन ये सारा करिश्मा रानी मंदोदरी देख रही थी। मंदोदरी ने रात्रि के समय रावण का हाथ पकड़ लिया, पति दे आज वो जादू आपने दिखाया। वो जादू क्या था? रानी मेरे से जादू आता है? मंदोदरी कह रही है, तोपन आया बे दूर दूर, सारा जीवन तेरे साथ में बीता मेरा, आज तक जादू नहीं देखा, आज कहां से आ गया? अब सत्य को कह रहा रावण, मेरे से बाकी कोई जादू नहीं आता।
पानी में कैसे तैरा, सुन क्या बोले। घर के धनुषी का मैंने पत्थर हाथ उठाया, जिस राम के नाम से पत्थर तैर रहे थे उसी राम का ध्यान धर के एक पत्थर का टुकड़ा मैंने लिया और उसके कान में कह दिया धीरे से, अगर तू आज पानी में नहीं तैरा लक्ष्मी नदवई तो मेरे अंदर से तेरे राम का भरोसा समाप्त हो जाएगा। पानी इतना सुनते ही वो पत्थर पानी में तैरने लगा। क्या कहा? पत्थर के धनुषी का मैंने पत्थर हाथ उठाया, कैसो गंध राम की कह के पानी में तैराया, कैसो गंध राम की कह के पानी में तैराया। मंदोदरी ने फिर हाथ पकड़ लिया, अब भी वक्त है, इस लंका को बचा लो, परिवार को बचा लो, अब तो अपने आपने हाथों से करके देख लिया करिश्मा। जब राम के नाम में इतनी शक्ति होती है तो राम स्वयं तुझे मारने के लिए आ रहा है। क्या कहा? हरी कहे मन मंदोदर के, हरी कहे मन मंदोदर के, वो बस अयोध्या बाजे, तैर गए पानी में जितने पत्थर डाले डाले वो जितने अगले कलाकार लक्ष्मी नदवई।